वेलकम वेलकम टू माय चैनल। मैं आगमनी फिर से एक ब्लॉग लेके आ गई शादी वाले। ये जो पिक आप लोगों के साथ बिना शेयर किए मैं नहीं रह पाई, क्योंकि शादी के बीच ये जो भाई बहन की मस्ती चलती है ना, ये पिक में ही हो। उस टाइम तो वीडियो करने का टाइम ही नहीं मिला, तो जो पिक रह गया था हमारे पास वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतने साल बाद ये मेरे बड़ी मामी हैं और मामा की लड़की। तो वो अंदर आने के बाद पहली रस्म होती है दूध उबलने का। तो दूध उबलने के बाद ये दोनों इसको दोनों को लेके जाके बिठाएंगे नीचे, और कुछ रिचुअल्स में खेल भी है साथ में, सारे बड़े गिफ्ट देंगे, इनको आशीर्वाद करेंगे। उससे पहले एक रिचुअल्स हम लोग सारे भूल रहे थे, सब मिलके बोला जो ऊपर जो खाना बनाएगी बना रहा है तो वो पूरा खाना वह को दिखाना है, और इनको कहना है जो ससुर का सब चीज़ भरा हुआ है। तो लक्ष्मी माना जाता है माँ अन्नपूर्णा के रूप में, हम लोग जैसे पूजा करते तो उसी में हम घर की बहू को ही लक्ष्मी के रूप देते। ये देखो मेरी छोटी बहन गिफ्ट कर रही है अपनी भाभी को, ये इसका बड़ा भाई है। ये जो रिचुअल्स है देख रहे हो, चावल को फैला दिया मेरे भाई ने और इसको समेटना है। तो इसका बड़े कहते इसका मीनिंग यही है जो बहू कैसे अपने घर को समेटते हुए रखेंगे वही ये इस रिचुअल्स में दिखाता है। ये सब होने के बाद बहुत लेट हो चुका था, सबको बहुत भूख लगे थे, हम लोग सारे बैठ गए थे खाना खाने। तो वही ऊपर जहाँ पहले भी आप लोगों को पहले वीडियो में मैं दिखाया था जो सारे, ये देखो ये मेरे सारे मामियाँ हैं। मामी का तो कोई कमती नहीं है मेरे मामी मामा के घर की, ये सारे मामियाँ हैं मेरे मामा जो है उनका ससुराल का जो मामा लोग है, ये भाई सारे बैठ के खाना। ये तो गर्मी में अपना शर्ट डालने ही भूल गए, तो वैसे बैठ गए थे खाना खाने। तो हम घर में दोपहर का खाना फटाफट खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि रिसेप्शन की तैयारी हम सबको करना है। तो ये सारे मामियाँ बैठी हुई थी, तो ये पहले मैं खाना खा लिया था, तो इनका ही वीडियो मैंने इस टाइम लिया। जो बच्चे बड़े सारे मिलके एक साथ ही बैठ गए थे, क्योंकि आज का दिन फर्स्ट डे था बहू को हमारे घर में खाना खिलाने का। बाकी रिचुअल्स जो शुरू होगी वो शाम के टाइम से फिर से शुरू होने वाला है। देखो इस वेलकम के लिए, हमारे नया दुल्हन को वेलकम करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन घर में ही, जिस दिन बहू आई थी शाम के टाइम हम सब मैंने भाई सब ने मिलके किया था। तो पूरा वीडियो तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, थोड़ा बहुत ये लास्ट टाइम हम लोग कहते भाषण डांस, तो जिसका शादी है वो भाई और हम सारे बहनें मिलके वही थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चल रही है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी रिसेप्शन का मज़ा क्या किया हम लोगों ने वही पता चलेगी। इस रिचुअल्स है भाई को भाभी को देना पड़ता है पूरा खाना और साथ में सारी सिंदूर आलता, और कहना होता है जो आज से सारा ज़िंदगी भर तुम्हारा खाने पीना पहनना सब कुछ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज से मेरा है। तो ये बोलेंगे साथ में और भाभी ये खाना आज बैठ के साथ में ये लोग खाएंगे। इस रिचुअल्स का ये है कि चाच से ससुराल में सब कुछ सारा कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका हस्बैंड सब का है, इसमें यही कहा जाता है। हम रिसेप्शन के वाले टाइम पे आ गए, रिसेप्शन का स्टेज पे देख ही रहे हो सामने सेल्फोन, इतना ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो का वो चल रहा है, मैं सामने जा ही नहीं पाया, मैं दूर से ही थोड़ा वीडियो करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन तो थोड़ा रहता ही है, गर्मी भी साथ में बहुत है, तो कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके आप लोग अच्छे से दिखाने के लिए। ये देखो मेरा भाई और भाभी
बहुत प्यारी लग रही थी। ये सारे बहनें मिल के सेल्फी लिया। इस रिसेप्शन के दिन तो ज़्यादा सेल्फी हम लोग लेते हैं, क्योंकि इस दिन बहू को सारे देखने आती है, यही काम रहता है। और गिफ्ट लेना, ये शादी वाले हम तैयार हुए और सेल्फी ना ले कैसे चलेगी मेरे बहन का। देखो ये सारा सेल्फी लेने में बिजी है। और हम अभी जा रहे हैं खाने के तरफ, जहाँ स्टॉल लगा हुआ है। मेरे मम्मी माँ पीछे दीदा भी खड़ा हुआ है, मेरा नानी जी जिनको कहते हैं, और मेरे छोटे बहन, सारे मिलके हम एक साथ स्टॉल में जा रहे हैं। देखती हूँ स्टॉल में क्या क्या है। स्टॉल में आके मैंने देखा, पहले ही देखा चिकन पकोड़ा, वेज पकोड़ा। तो चिकन पकोड़ा खाने का मन बहुत कर रही थी, तो पहले ही चिकन पकोड़ा हमने ले लिया। और थोड़ा बहुत भूख भी लगी थी, पहले बहन को खिलाया और बाद में मैं खुद खाई। तो पकोड़ा सच में बहुत टेस्टी थे और गर्म भी थे, तो अच्छा भी लग रहा था खाने में। इधर काफ़ी सारा स्टॉल लगा होता है, कॉफ़ी थी, आम पन्ना थी और गोलगप्पे भी थी। तो धीरे धीरे दिखाऊंगी। ये सर जो रोड देख रहे हो, लाइट का जो ये जा रहा है, ये पूरा रोड में ऐसे करके इन्होंने सजाया है। और ये जो पंडाल बना है, इसके अंदर रात के डिनर का चल रहा है। मैं अभी गोलगप्पे खा रही हूँ, गोलगप्पे भी बड़े टेस्टी बने थे। मेरे मामा ये खाते खाते वीडियो क्या हो रहा है, तो उनको ये बोला जी ये सारा मैं दिखाने वाली हूँ यूट्यूब में, मेरे वीडियो में सारे व्यूअर्स को, मेरे को कैसे लगा, मैं कैसे एंजॉय किया, तो उनको वही मैंने बोला। बट गोलगप्पे बड़े टेस्टी थे, इसलिए मैंने और भी खा लिया। अब चलो चले, ये मेरी बड़ी बहन भी आ गई इधर स्टॉल में खाने के लिए। पीछे मेरा मामा, माँ और सर, मौसा, सारे खड़े, सबको एक साथ करके वीडियो करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए जहाँ जहाँ खड़े थे वही, क्योंकि सारे अपने अपने लोगों, जान पहचान वालों के साथ बिजी थे, तो इसलिए जहाँ जहाँ थे उनको लेके मैंने अपलोड। ये मेरा पास गांव की, मामा के घर के गांव के आसपास की जो मासियाँ है, जिनके हाथ में, जिनके गोदी में ही मैंने छोटी से बड़ी हुई हूँ। सच में अभी भी इतना ही प्यार मिलता है, जब भी मैं जाती हूँ ऐसे पता ही नहीं चलता। जो मैं बड़ी हो गई, मेरा भी एक भी इतना बड़ा बेटी है, उनके लिए तो मैं अभी भी छोटी हूँ। ये देखो कितना अच्छे से सजाया था पूरा पंडाल को। मेरी छोटी बहन अब आ गई गोलगप्पे खाने। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा तो ज़रूर बताना, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर लिखना, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। हम जब अंदर आए, थोड़ा पकौड़े लेके आए थे, क्योंकि मैं हम ये बैठी तो हुई थी अकेली और इधर जा नहीं पा रहे थे, तो इसको इसके भी खिलाना, नया दुल्हन को खिलाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं बड़ी ननद हूँ उसकी, तो हम बैठ के उधर दोनों मिलके थोड़ा पकौड़े खाए। और साथ में ये मेरे बहन और बहन के हस्बैंड है, थोड़ा बहुत जो सेल्फी पिक्चर हमने लिया आप लोगों को शायद शेयर किया। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। और आप सबका ब्लेसिंग मेरे भाई और भाई भाभी के ऊपर ज़रूर चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।